नाउ टॉपिक है माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी मींस जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके आए, है ना, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाएंगी। एग्जाम्पल है माइग्रेटरी बर्ड का साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरिया से आने वाले जो सारस है, क्रेन है, वो इसका एक एग्जाम्पल है। द बर्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेदर, भाई माइग्रेट क्यों करके आ रहे हैं, क्योंकि उस जगह का क्लाइमेट कैसा हो चुका है, बहुत ठंडा हो गया, तो उस ठंड से बचने के लिए, है ना, उस पोलर रीजन की ठंड से बचने के लिए तो ये क्या करते हैं, माइग्रेट करके आ जाते हैं गर्म जगह पे, एंड देन रिटर्न बैक आफ्टर द विंटर सीजन। और जब वापस से जिस जगह पे रहते हैं उधर का क्लाइमेट वापस नॉर्मल हो जाएगा तो ये वापस उसी जगह रिटर्न कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू इंडिया एंड राजस्थान, साइबेरिया से आने वाले जो सारे से क्रेन है वो जनरली राजस्थान, हरियाणा और कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं विंटर सीजन के वक्त, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड नहीं होती जितनी पोलर रीजन पे होती है, तो पोलर रीजन की एक्सट्रीमली कोल्ड से बचने के लिए इस तरह के रीजन में आ जाते हैं जहाँ पे एक प्लेजेंट सा क्लाइमेट इनको मिल जाता है। द बर्ड डेट माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेज ड्यूरिंग अ चेंज इन वेदर आर ऑफन कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड। ये माइग्रेटरी बर्ड की डेफिनेशन है, जो आपके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आते हैं, है ना, वेदर चेंज होने के कारण से वो माइग्रेटरी बर्ड कहलाते हैं। दे कैन ट्रेवल यूज इंटेंसेस ऑफ 15,000 किलोमीटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करके आ जाते हैं। सच बर्ड माइग्रेट टू सेम प्लेस एवरी ईयर, है ना, फिर जैसे ही जहाँ ये रहते हैं, जिस जगह से आए हैं, जैसे साइबेरिया से आने वाली जो सारस क्रेन है, है ना, तो वापस से साइबेरिया रिटर्न कर जाएगी जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई सो डैट द हीट जनरेटेड बाय द फ्लाइट विंग कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द कोल्ड कंडीशन। ये ऊंची उड़ान उड़ते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये उड़ते हैं तो जो इनके फ्लाइट विंग है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, गर्मी, है ना, ऊष्मा का प्रोडक्शन करते हैं, तो जिससे वो जो हीट जनरेट हो रही है वो ख़त्म हो सके, डिस्पोज हो सके किसमें, कोल्ड एनवायरनमेंट में, कोल्ड कंडीशन में। द माइग्रेटरी बर्ड हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, भाई इनको डायरेक्शन की बहुत सोच समझ होती है, तभी तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, सो डैट दे कैन ट्रेवल टू द सेम प्लेस एवरी टाइम। द माइग्रेटरी बर्ड ऑल्सो यूज लैंडमार्क और फॉलो, देखो ये कुछ लैंडमार्क को भी यूज़ में लेते हैं, जैसे जब ट्रैवलिंग करते हैं ना तो ये कुछ निशानियाँ देख लेते हैं भाई किस जगह से हम जा रहे हैं, तभी तो हर साल ऐसा होता है कि साइबेरिया से जैसे राजस्थान आ गया, फिर वापस राजस्थान से साइबेरिया चले जाते हैं, और सन का डायरेक्शन को भी फॉलो करते हैं ये, और स्टार को भी देखते हुए माइग्रेट करते हैं। सम बर्ड ऑल्सो यूज द मैग्नेटिक फील्ड, कुछ चुंबकीय क्षेत्रों का भी यूज़ में लेते हैं कुछ बर्ड्स, है ना, जो अर्थ की चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनका भी यूज़ में लेते हैं ये डायरेक्शन को ढूंढने में। अपार्ट फ्रॉम बर्ड फिशेज इंसेक्ट एंड मैमल ऑल्सो माइग्रेट, इन बर्ड्स के अलावा मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, है ना, स्तनधारी मैमल्स भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं।